सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस रात के बज रहे हैं 10, मैं वेट कर रहा हूँ पाजी का। पाजी ने बुलेट ली है नहीं, तो देखते हैं कैसी है बुलेट। और वो देखो वो आ गए पाजी सामने से। बुलेट तो काफी सही लग रही है दूर से, बाकी देखते हैं। और पाजी कैसे हो? बस बढ़िया। तो देख लो गाइस ये रही बुलेट। गाइस मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ बुलेट के। बाइक नहीं बोलते गाइस इसको, बुलेट बोलते हैं। सामने से इसका जो व्यू है एक नंबर है। पाजी लाइट ऑन करके देखो जरा। तो ये गाइस देख ही सकते हैं आप लाइट, और इसका ये रहा कंसोल। तो पाजी कितने की पड़ी आपको ये बाइक? ये मतलब टोटल मिला के ऑन रोड हमें पड़ गई है 195 की। ओके तो नाम क्या है इसका? ये रॉयल एनफील्ड बुलेट है 350 cc। ओके इलेक्ट्रा मॉडल है ये, जैसे एक क्लासिक होता है। हाँ जी। और उससे ऊपर फिर इलेक्ट्रा होता है। ठीक है स्टैंडर्ड। ओके हाँ जी ठीक है। स्टैंडर्ड आपको इससे मतलब 10,000 और पड़ जाएगा ज्यादा, मतलब ऊपर पड़ जाएगा इसके ऊपर 10,000 पड़ जाएगा। ठीक है। आप इसको चला चुके हैं? अभी अराउंड 1000 किलोमीटर चलते। ठीक है। और मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब आपकी फर्स्ट बाइक है शायद मेरे हिसाब से ये। हाँ जी पहले मेरे पास वो थी TVS Sport। ओके उसके मुताबिक तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा मजा भी आता है। और पंजाब में तो पाजी मेरे हिसाब से कंपलसरी हो जाता है एक बुलेट होनी चाहिए, क्या बोलते हो? आपको मतलब क्या इंटरेस्ट आया कि आपको यही बाइक लेनी है? कोई और भी ले सकते थे आप, स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्ट नहीं आपको? हाँ जी इस बाइक का लुक ऐसा है कि भाई यहाँ देख के बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा पहले मेरा तो काफ़ी पहले से शौक था यार बुलेट लेनी है, तो बस अब उस काबिल बन गए हम। ठीक है। गाड़ी भी ले लिया आपने, गाड़ी कितने की पड़ी आपको? गाड़ी तो हमें पड़ गई 8 लाख। शिफ्ट ले लिया आपने तो, है ना? ठीक है। तो गाइस पाजी ने गाड़ी और बाइक दोनों ले लिया। और पाजी का अपना ढाबा है, पाजी ढाबे का नाम बता दो। दादी का ढाबा है हमारा, खरड़ बस स्टैंड है वहाँ पे, कपूर ढाबे के साथ ही गली जा रही है वहाँ पे। तो ठीक है, तो ढाबे पे आप क्या क्या देते हो मतलब वो भी बता दो। ढाबे पे हमारे रोटी थाली मिलती है, राइस मिलते हैं, ओके खा सकते हो, पूरी छोले अवेलेबल होंगे, भटूरे छोले होंगे। ओके और भी काफी कुछ अवेलेबल है, अब तो हमने सूप का भी काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो मतलब टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे। ओके मतलब सुबह 10 से लेके रात के 10 बजे तक कभी भी आप अवेलेबल करवा दोगे। तो गाइज मैं भी इनके मतलब राजमा चावल खा चुका हूँ, काफ़ी मेरे को सही लगते हैं, आप भी ले सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और जो भी लोकेशन है भेज दूंगा आपको। तो पाजी एक राइड हो जाए फिर। बिल्कुल ठीक है। तो गाइज राइड करते हैं। एक हो चुकी है बुलेट स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट है गाइज। अब गाइज मैं पाजी के साथ बैठा हुआ हूँ, और पाजी वेट कितना आपका? मेरा 60। आराम से चलना 60। तो पाजी का वेट है 60 और मेरा 83। पाजी संभालोगे फिर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। वैसे गाइस पाजी का वेट वैसे 60 है, लेकिन ये डेडलिफ्ट काफ़ी हैवी मार लेते हैं, 120 की डेडलिफ्ट मार लेते हैं अपने वेट से ज़्यादा, और स्ट्रेंथ तो होगी गाइस लेग्स में। बाकी राइड में मज़ा रहा गाइस, मतलब एक होता है स्पीड में चलने वाली बाइक और इतना स्लो, तो इसका स्लो में मज़ा ज़्यादा है। बाकी रात का टाइम है गाइस, थोड़ा सा रोड देख ही सकते हैं आप, बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, खतरनाक ही बारिश हुई है। पाजी फिर क्या लगता है कल सुबह होगी बारिश? हाँ जी हाँ जी कल सुबह भी लिखा हुआ है। अच्छा। तो मतलब कल फुल डे बारिश पड़ सकती है। हाँ कल मैं सहारनपुर जा रहा हूँ यूपी। अच्छा फ्रेंड्स के घर, थोड़ा बसंत मना रहे हैं क्योंकि परसों की बसंत है, तो यूपी में काफी पतंगे उड़ती है मैंने सुना है। अच्छा तो मतलब यूपी फेमस है पतंग के लिए? हाँ जी हाँ जी यूपी काफी फेमस है बसंत में, मतलब वहाँ पे काफी पतंगे उड़ती हैं। अच्छा हाँ जी चलो बढ़िया, फिर आप एंजॉय करो। तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। हाँ आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं।